तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 3 दिन पहले यानी कि 7 तारीख को सापला शहर में एक घटना हुई थी जिसमें काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में कुछ अपराधी आए थे और सीताराम नाम की जो एक मिठाई की दुकान है सापला में उसमें उन्होंने फायरिंग करी थी और एक पर्ची फेंकी थी जिसपे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने इमिजिएटली वहाँ पर केस रजिस्टर करके और हमारी सारी क्राइम टीम्स उसी दिन से एक्टिवेट हो गई थी। मैं स्वयं भी वहाँ पर विजिट करके आया था अगले दिन और उनसे मिलके आया था और काफ़ी प्रयास जिला पुलिस ने उस पर उस वारदात को ट्रेस करने के लिए उसी दिन से शुरू कर दिए थे। तो उसी क्रम में मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हमारी क्राइम टीम्स ने स्पेशली जो हमारी AVT की टीम है जिसमें सब इंस्पेक्टर सतीश जिसके इंचार्ज हैं उन्होंने इस वारदात का खुलासा कर दिया है और इस वारदात में जो 3 आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था मैं उनके बारे में डिटेल आपको बता देता हूँ। एक का नाम है नवीन उर्फ भांजा, ये रहने वाला खेड़ी साध का है लेकिन फ़िलहाल ये अभी सापला में रहता है। दूसरा व्यक्ति जो है वो अमित उर्फ मीता है, ये छारा गांव जो झज्जर में पड़ता है वहाँ का रहने वाला है। और तीसरा व्यक्ति है कपिल उर्फ भोलू, ये आसंडा गांव जो जिला झज्जर में पड़ता है उसका रहने वाला है। तो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से हुआ कि ये तीनों व्यक्ति काले रंग की स्कॉर्पियो में बैठे थे, सापला से ये साथ में बैठ के शराब पी रहे थे। गाड़ी में बैठ के इन्होंने काफ़ी मात्रा में शराब पी और रात में काफ़ी इन्होंने गाड़ी घुमाई है। सापला से पहले रोहतक आए हैं, रोहतक से फिर ये वापस झज्जर की तरफ गए हैं और फिर काफ़ी ज़्यादा शराब, पूरी रात करीब करीब इन्होंने शराब पी है और शराब पीते पीते ही इनके मन में कुछ शरारत सूझी है। कुछ आपस में इन्होंने बात करी है कि चलिए जा करके हम सीताराम की दुकान पर जा करके इस तरह से फायरिंग करके आते हैं।